गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बी ऑसम टीएलएफ। तो आज हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 36 के इनर मार्केट में। 36 के मार्केट ना बहुत फेमस है क्योंकि ये सेकंड गेड़ी रूट भी कह सकते हैं उसको चंडीगढ़ का। यहाँ बहुत रश होता है इवनिंग में। और यहाँ पे एक आउटलेट के बारे में मुझे पता लगा था जिनका खाना काफ़ी फेमस हो रहा था यार, कहा जा रहा था और सुनने में आ रहा था कि भाई बहुत टेस्टी मील्स होते हैं यहाँ के। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग जाके ट्राई करें। तो मैं आ चुकी हूँ सेक्टर 36 में ड्रम फायर द ग्रिलिंग फ्यूरी के बाहर। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा आउटलेट है, एक दो सिटिंग है जो ये बाहर लगा देते हैं और इनके पास बहुत ही वास्ट वैरायटी का मेन्यू है यार। तो ट्राई करके आपको बताती हूँ कि मुझे ये कैसा लगा और सच में जितनी तारीफ हमने सुनी है क्या वैसी प्रोजेक्शन भी है कि नहीं। तो चलो ट्राई करते हैं, आओ पहले हम ऑर्डर प्लेस करें, लेट्स गो। सो गाइस हम लोगों ने इनसे पूछा कि इनकी स्पेशलिटीज़ क्या है, तो हमने ये भी बोल दिया था कि यार मतलब मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, लेकिन स्टिल इन्होंने बोला कि आप हमारा वेज और नॉन वेज दोनों ट्राई करो। तो मैंने ऑर्डर किया है आलू नज़ाकत, नज़ाकत से भरे आलू, लेट्स सी कैसे होंगे। देन आई हैव ऑर्डर्ड दही कबाब, देन गलौटी कबाब एंड मुर्ग मलाई टिक्का। सो इतनी सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर ली हैं एंड अब जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्राई करके आपको बताना है कि ये सब चीज़ें मुझे कैसी लगी और क्या बी ऑसम वाले इसको ऑसमनेस का टैग लगाते हैं कि नहीं। तो पूरी वीडियो देखने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नई जगह मुझे बताते रहा करो ताकि हम वहाँ जाएँ और आपको एक नया प्यारा सा एक्सपीरियंस और जगह के बारे में बताएं। सो नाउ वी आर गोना गो सिट आउटसाइड फॉर अ व्हाइल एंड वेट, तब तक हमारा खाना आ जाएगा। मैंने जो मंगवाया है एक मिक्स प्लेटर मंगवाया था मैंने वेज और नॉन वेज का, जो इनके काफ़ी फेमस है क्योंकि शुरुआत अच्छी हो तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो वो सब कुछ आ चुका है तो मैं बता दूं मैंने क्या क्या मंगवाया है। सो ये है हमारे दही कबाब, देन ये है हमारा मुर्ग मलाई, दिस इज़ आर गलौटी कबाब, और ये जो इतना क्यूट सा लग रहा है ना, जो थोड़ा बहुत मुझे सुशी जैसा शक्ल दे रहा है, वो है हमारा आलू नज़ाकती। खूबसूरत है, नज़ाकत वाला है। और मेरी नई जीप देख रहे हो आप, आई जस्ट बॉट इट विद योर लव फॉर बी ऑसम। तो उसके अंदर बैठ के आज हम ट्राई करने वाले हैं ड्रम फ्रायर सेक्टर 36। तो लेट्स सी कैसा है ये। और साथ में हमें दिए हैं इन्होंने अनियंस और ग्रीन चटनी अरे बहुत ही खूबसूरत छोटे से कप में ही आई है तो मुझे बहुत क्यूट लग रही है। तो लेट्स सी। तो गाइस सबसे पहले जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है हमारा मुर्ग मलाई। वाह कितने आराम से कट गया, ओ हो हो गजब। ये होती है खूबसूरती खाने की, मतलब इतने प्यार से निकल जाए ना चिकन तो दिल मेरा पहले ही आ जाता है उसके ऊपर। और ये प्यारे से कप से हमने ग्रीन चटनी इस पर डालेंगे, ये थोड़ी गिरा दी हमने, इट्स फाइन। ओ हो हो हाय साहब, लेट्स सी हाउ इज इट। पांच में से पांच नंबर, चटनी जबरदस्त। ये जो चिकन है, मलाई जो बोला है ना इन्होंने, बिल्कुल सही बोला है क्योंकि मुंह में घुल गया है मेरे, एक सेकंड के अंदर मुंह में घुल जाता है आपके, फ्लेवर इसका जो ब्लास्ट होता है ना वो होता है आपके मुंह में। इट्स नॉट स्पाइसी, ना ही टैंगी है, बहुत ही बैलेंस फ्लेवर है और बहुत ही ज़्यादा लजीज है ये। सो इसको मेरे पांच में से पांच नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि फ्लेवर बहुत बैलेंस है, ना क्रिस्पी, ना ही आप इसको कह सकते हो बहुत तीखी मिर्ची है, नमक कम है, कुछ भी है ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर बैलेंस्ड है। और जितने आराम से ये निकला है ना, मतलब ये देख रहे हो, और ये बिल्कुल आराम से अलग हो जाता है, ये इसकी बेस्ट चीज़ है। सो गाइज मैंने पूरा का पूरा 30 सेकंड्स में भी नहीं खाया, 15 सेकंड में मैं खा चुकी हूँ क्योंकि ये पूरा मेरे मुंह में घुल गया। और इसको पांच में से पांच नंबर, मतलब आप आते हो ना तो ड्रम फायर आके सेक्टर 36 में ये आपको ट्राई करना ही करना है, ये हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये बहुत ही गजब चीज़ है, पता लगेगा खा के। मैंने काफ़ी जगह पे मतलब ऐसे
कबाब्स ट्राई करे हैं और ऐसी मतलब यू नो स्टार्टर्स ट्राई करे हैं, मगर जितना आराम से और ये मेरे मुंह में घुल गया है और स्वाद इसका जो आया है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकती वीडियो के जरिए, तो मैं आपको सिर्फ बोल के बता सकती हूँ, लेकिन खुद आके ट्राई करोगे तो पता लगेगा। सो मुर्ग मलाई से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही बढ़ चुकी हैं, अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं हमारे दही कबाब को। यार क्या कचर कचर की जो साउंड आ रही है ना क्रिस्पीनेस की, ओहो, देख रहे हो कितने प्यार से ये टूट गया है। सो अब हम जरा इसको ट्राई करते हैं। उसका फ्लेवर काफी डिफरेंट है, मीठा है, क्रिस्पी है, उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस की बात करें तो हरा धनिया उन्होंने अंदर भी काफ़ी डाला है भर भर के, उसकी वजह से इसकी जो फ्रेशनेस है वो इंक्रीज़ हो गई है। मुर्ग मलाई और दही कबाब में से अगर मेरी बात करें तो मेरा जो अभी तक का फेवरेट है वो है इनका मुर्ग मलाई, बिकॉज इट वॉज सो यमी। बट दही कबाब भी उससे थोड़ा ही पीछे है, सिर्फ एक नंबर, 5 में से 4 मैं इसको दे चुकी हूँ। आई लाइक इट। अब बात करेंगे जिसको देख देख के ना मेरे मुँह में बहुत गजब पानी आ रहा है, वो है हमारे आलू नज़ाकती। खूबसूरती देख रहे हो आप इनकी, नज़ाकत से भरे, ऐसे लगे लखनऊ से बस तैयार होके आए हैं नवाब। वाह, आलू बाहर से इसका जो बेस है वो आलू का है, अंदर इन्होंने स्टफिंग करी हुई है चीज़ की और पनीर की। सो देखते हैं कैसे है, और सब चीज़ें इतनी फ्रेश है ना, इतने आराम से ये टूट रही हैं, और खाने में जो इसका टेस्ट आ रहा है ना, मतलब आपको चबाना ही नहीं पड़ रहा, बस मुँह में डालो और ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो फ्रेशनेस का ना यहीं से पता लगता है। आलू भी ऐसा हो सकता है क्या? ये सच में एक आलू ही है क्या? इस आलू के अंदर कोई और राज छिपा है? नहीं, ये आलू ही है जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और बहुत ही यमी है। स्पाइसी नॉट एट ऑल, टैंगी नो, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, आउटसाइड से क्रिस्पी और अंदर से वही सेम इसके फ्लेवर्स डिज़ोल्व हो जाता है मुंह में डाल के। इसमें मुझे हल्का सा जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा कम हो सकता था, जिसकी वजह से ये और उभर के ना इसका जो टेस्ट आता, वो जो कंबाइन करके आता ना, वो और बढ़ जाता। इन्होंने इसके अंदर पनीर की स्टफिंग करी हुई है और ऊपर से ये इसके अंदर चीज़ डालते हैं, जो कि इस सारी डिश को 5 में से 5 नंबर देने के लिए मजबूर कर देता है। सो आई रियली लव इट। गाइस अब हमारी बारी है, जरा थोड़ा इधर करते हैं हम खाना, क्योंकि हम खाते रहेंगे। अब हमारी बारी है गलौटी कबाब की। तो ये रहे हमारे गलौटी कबाब, ऐसे उठा लेते हैं, चलो चाहिए नहीं हमें और कुछ। गलौटी कबाब के ऊपर तो हरी चटनी डालना बनती है। ओहो हो, स्टफिंग देख रहे हो आप, क्या गजब की स्टफिंग है। चिकन होता है ना ये है हमारे चिकन की स्टफिंग। गजब के स्वाद, मतलब गलौटी कबाब इतना ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप इसको, इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको क्या बोलूँ। जो इसके टेस्ट है ना, जो फ्लेवर्स हैं, मैंने वही बोला कि इनका जो हर एक डिश है ना जो मैंने अभी तक ट्राई करी है, उस सबका जो फ्लेवर है वो एकदम कंबाइन है। मतलब कोई भी चीज़ इसमें से अगर ये मिस हटा देंगे, किसी में हल्का सा भी इन्होंने मिर्ची नमक कुछ भी अगर ज़्यादा कर दिया, तो वो चीज़ का जो स्वाद है ना वो चला जाएगा, क्योंकि इनके सारे फ्लेवर्स बहुत बैलेंस्ड है। अब गलौटी कबाब में एक चीज़ होती है, कई लोग इसको ना थोड़ा सा मीठा कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चिकन की स्टफिंग है वो अच्छे तरीके से इन्होंने ना मतलब मैरिनेट करी हुई है मसालों के साथ, विच हाईलाइट्स इट। ऊपर से जो इसका कह सकते हैं, ऊपर से जो इसकी कवरिंग है वो भी कई लोग बहुत क्रिस्पी कर देते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बैलेंस है, बहुत ही अमेजिंग है। तो इसको भी मैं 5 में से 5 नंबर देती हूँ। मतलब मेरा जो एंटायर एक्सपीरियंस है ड्रम फायर का भी स्टार्टर्स के साथ, वो बहुत ही अच्छा रहा है, और इसको मतलब मेरा तो दिल आ गया इस जगह के ऊपर, मेरे घर के भी बहुत पास है, तो मतलब मैं यहाँ पे आके घर वालों के लिए भी खाना, लंच, डिनर सब पैक करा के लेके जाने वाली हूँ।
क्योंकि ये जोमेटो स्विगी सब जगह पे अवेलेबल है जहाँ से आप ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो। और अभी मैं स्टार्टर्स के साथ ज़रा इन्जॉय कर लूँ क्योंकि खाने के लिए अभी मेरे पेट में थोड़ी जगह कम है। तो अगर आप लोग आते हो सेक्टर 36 ड्रम फ्रायर तो खाना ज़रूर ट्राई करके जाना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका यहाँ से क्या फेवरेट है, बिकॉज इनका जो है ना पनीर लबबदार और समथिंग लाइक दैट, वो भी काफ़ी चीज़ें फेमस है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है बट मेरे पेट में जगह नहीं है। तो गाइस पूरी वीडियो अगर देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट माई रिकमेंडेशंस, क्योंकि इनके रेट्स भी रीजनेबल है, क्वालिटी अमेजिंग है और खाना बड़ा गजब है। तो सब चीज़ों के लिए मेरी रिकमेंडेशंस फॉलो करो और ज़रूर आओ और इन्जॉय करो। नाउ आई विल सिट आराम से और ये सब खा के एक कप चाय भी पीऊँगी, फिर आराम से चलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो इन्जॉय करो। तो हम साढ़े नाल ने इस जगह के ओनर हरकीरत जी, तो हरकीरत जी पहले तो ये दसो कि मतलब कितना टाइम हो गया है तुहानू इत्थे ये शॉप ओपन किते, तो लोगों का रिस्पोंस कैसा है? मैम ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया तो रिस्पोंस अपना बहुत वधिया जा रहा। तो मेरी इतने स्पेशलिटी वैसे नॉन वेज के मामले च, नॉन वेज ज़्यादा जाना एज कंपेयर टू वेज। ओके, तो मतलब 36 जेड़ा है वो काफी फेमस है, यू नो यंगस्टर्स यंग क्राउड जेड़ी, तो तुसी इत्थे आंदे रहंदे सी फिर तुहानू लगा कि हां जी मैं एवरीडे अगर ये सब चीजा एंजॉय करनी है तो शॉप ही खोल लेना। बिल्कुल। अच्छा मतलब ये गल सच है? हां जी 2014 च आपां इत्थे आप ही गेड़ियां मारदे हुंदे सीगे ते मेरा सपना भी सीगा कि इत्थे कोई ना कोई काम खोलीए, ते मैं डिप्लोमा कीता एचएम दे विच ही, तां उस तों बाद मैं शॉप चूज कीती खोलण लई। ते मतलब सब तों फेवरेट क्या है लोकां दा जिहड़ा बहुत ज्यादा तुहाडे ऑर्डर्स इधरों जांदे ने? मैम ऑर्डर्स दे जी जे गल करिए तां सब तों ज्यादा मेरा ड्रम फ्राई स्पेशल कलमी है वो जांदा है। एक जिहड़ा तुहानू मैं स्पेशल बनवा के दे रहा गलौटी कबाब विद रुमाली रोटी हो जाए। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਕਿਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਫ ਸੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 10 11 ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਲੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਊਟਲੈਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀ ਆਸਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 36 ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। थैंक यू। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बी ऑसम टीएलएफ और आज हम लोग मिट्टी में